प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको शख्सियत दे और हंसते मुस्काते रहें। लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 2.7 और आर्टिकल था हमारे पास हायर या सक्सेसिव डेरिवेटिव्स। क्या था? जब हम किसी फंक्शंस का एक से ज्यादा डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो वो उस फंक्शंस के हायर डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। उनको सिंबॉलिकली भी कल हम लोगों ने राइट किया था, नोट किया था। सो आज एक्सरसाइज 2.7 को आगे करते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 किया था, दो क्वेश्चन हमने कम्प्लीट किए थे। क्या आप लोगों ने प्रैक्टिस की थी? अगर नहीं की तो बेटा आसान सी एक्सरसाइज है लेकिन थोड़ी सी लेंथ भी जाएगी, तो साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। आज क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फर्स्ट पार्ट मेरे पास है जी, फाइंड y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए इफ अगर x square plus y square is equal to a square, ये फंक्शंस आपके पास मौजूद हो तो। कल की तरह पहले y1 फाइंड करेंगे यानी फर्स्ट डेरिवेटिव और उसके बाद फिर सेकंड डेरिवेटिव। तो गिवन है जी x square plus y square is equal to a square, differentiate with respect to x. So derivative with respect to x of the function x square plus y square is equal to derivative of a square over x with respect to x. So derivative of the first function plus derivative of the second function. First functions को जब हमने differentiate किया तो power लाया जी, power पहले तो x square का derivative 2x plus y square का derivative 2y, फर्दर बेस का डेरिवेटिव डेरिवेटिव वाई ओवर डेरिवेटिव एक्स। आप कहेंगे कि सर यहां पे एक्स का फर्दर क्यों नहीं किया? तो एक्स का फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ वो 1 होता है। सो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, डेरिवेटिव वाई ओवर डेरिवेटिव एक्स। अब यहां पे जो है ए स्क्वायर चूंकि कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव दैट इज इक्वल टू 0। This is 2y derivative y over derivative x is equal to plus 2x को shift किया तो minus 2x। यहां से हमने first derivative find out करना है, dy over dx को हमने as it is लिखा, minus 2x over 2y, ये 2y को हमने both side divide कर दिया, ये बच्चों 2 से 2 cancel, derivative y over derivative x is equal to y1, यानी first derivative is equal to minus x over y, this is called the first derivative of the given functions. तो प्यारे बच्चों हमें तो second derivative find out करना है। So again differentiating with respect to x, दोबारा हम x के respect जो है इसको differentiate करते हैं जी। So derivative of y1 with respect to x is equal to derivative of minus x over y with respect to x के साथ। So ये derivative y1 with respect to x, this become y2, ये y2 इज इक्वल टू, यहां पे देखें क्वेश्चन लॉ यूज किया जा रहा है, डेरिवेटिव आपके पास क्या करना है जी, माइनस एक्स और वाई। फॉर्मूला क्या है जी, वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई ओवर वाई स्क्वायर। फॉर्मूला आपको आना चाहिए यानी वाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई ओवर वाई स्क्वायर। ये जो माइनस था वो हमने बाहर ले ली सबकी कॉमन करके। So minus as it is, y as it is, derivative x over derivative x, यानी x का derivative with respect to itself that is 1, तो y as it is आ गया आपके पास, minus minus x derivative y over derivative x, यानी y का derivative उसी तरह से dy over dx लिखा गया, over y square जो है वो as it is, अब बाहर जो minus common था वो अंदर multiply कर दिया, this become minus y, और वो जो माइनस मल्टीप्लाइड माइनस है वो प्लस बन गया। सिमिलरली यहां पे आप देखें माइनस वाई एज इट इज प्लस एक्स डेरिवेटिव वाई ओवर डेरिवेटिव एक्स, डेरिवेटिव वाई ओवर डेरिवेटिव एक्स जनाब आपके पास इक्वल है माइनस एक्स ओवर वाई। सो ये डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे लिखा माइनस एक्स ओवर वाई, अगेन ओवर वाई स्क्वायर एज इट इज, माइनस वाई एज इट इज प्लस माइनस माइनस एक्स मल्टीप्लाइड एक्स एक्स स्क्वायर ओवर वाई होल वाई स्क्वायर। सिमिलरली वाई एलसीएम करते हुए वाई मल्टीप्लाइड वाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई जो था वो नीचे आ गया वाई मल्टीप्लाइड वाई स्क्वायर के साथ, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर वाई क्यूब, टेकिंग माइनस कॉमन
this become x square plus y square over y cube, a minus into x square plus y square. ये चीज देखें किसके इक्वल था, दैट इज इक्वल टू ए स्केयर. तो माइनस एज इट इज एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बिकम ए स्केयर ओवर वाई क्यूब. तो ये आपके पास बच्चों वाई टू फाइंड हो गया, यानी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन फाइंड आउट हो गया. क्वेश्चन नंबर था ये 3, इसका एक पार्ट मैंने किया, अगर एक या दो और है एक्स्ट्रा तो वो आपने खुद करने है जी. ऐसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है जी मेरे पास, फाइंड y4, यानी चार डेरिवेटिव्स आपने फाइंड आउट करने हैं. कितने? 4. अगर फंक्शन आपके पास हो y is equal to sin 3x, तो गिवन है जी y is equal to sin 3x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी पहला डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करते हैं. तो दिस बिकम डेरिवेटिव y ओवर x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द sin 3x ओवर डेरिवेटिव x. क्या फॉर्मूला होता है जी sin x का? तो साइन का डेरिवेटिव है जी कॉस एक्स, एक्स का आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 3x, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस 3x एज इट इज. फर्दर एंगल का डेरिवेटिव जब करेंगे सो डेरिवेटिव ऑफ द 3x विद रिस्पेक्ट टू x. अब कॉस 3x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 3x, 3x का डेरिवेटिव 3, यानी 3 इंटू कॉस 3x, ये बना आपके पास y1. अगेन डिफरेंशिएट, सेकंड डेरिवेटिव की तरफ बढ़ते हैं. सो डेरिवेटिव ऑफ y1 ओवर डेरिवेटिव x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, कांस्टेंट है. डेरिवेटिव ऑफ द cos 3x विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3 एज इट इज. यहां पे देखें जी cos 3x, अब cos का डेरिवेटिव क्या होता है जी? माइनस साइन, माइनस साइन 3x. फर्दर एंगल का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 3x का डेरिवेटिव दैट इज 3 बन जाएगा. अब नाउ दिस बिकम 3 3 9, माइनस 9 साइन 3x, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन. सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव की तरफ बढ़ते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो डेरिवेटिव ऑफ y2 ओवर डेरिवेटिव x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 9 साइन 3x का डेरिवेटिव. ये डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट किया, सो माइनस 9 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव है जी cos, cos 3x as it is. फर्दर एंगल का जब डेरिवेटिव किया तो दैट बिकम 3. अब 9 3 27 cos 3x, दिस इज द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन. लो जी 3 डेरिवेटिव्स तो फाइंड आउट हो गए, हमें कितने करने हैं जी? 4. तो चौथा भी हम लोग जो है वो फाइंड आउट करते हैं. सो डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब y3 ओवर डेरिवेटिव x3, अब ये बनेगा x3, ये y2 था तो डेरिवेटिव 1, डेरिवेटिव x ऊपर स्केयर, ये क्यूब और ये 4 बन जाएगा. माइनस 27 है जी कांस्टेंट, cos 3x का डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना है, तो cos का डेरिवेटिव है जी माइनस साइन 3x एज इट इज. फर्दर एंगल का जब डेरिवेटिव किया तो दिस बिकम 3, सो माइनस मल्टीप्लाइड माइनस प्लस, 27 3s आर 81 साइन 3x, दिस बिकम y4. तो जनाब ये चौथा डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट किया गिवन फंक्शंस का, और वो फंक्शन था y इज इक्वल टू साइन 3x के साथ. ये कौन सा क्वेश्चन था जी? क्वेश्चन नंबर 4. रिमेनिंग इसके जितने पार्ट्स हैं, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तो आपने इसी तरह से पहले y1, फिर y2, y3 और y4 जितने वो डेरिवेटिव्स कहते हैं उतने फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर हो गई बात? इजी है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. है क्या? इफ x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू साइन m थीटा, शो दैट, साबित कीजिए 1 - x² (y2) - xy1 + m² (y = 0. y1 जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव है, y2 जो है इसका मतलब वो सेकंड डेरिवेटिव है, यानी हमें इन फंक्शंस के फर्स्ट डेरिवेटिव भी लेने और सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करने हैं. तो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए इन इक्वेशंस को हम सिंपल फॉर्म में लाते हैं. सो गिवन x इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया. सिमिलरली y इज इक्वल टू साइन m थीटा,
साइन इनवर्स वाई एम थीटा डिवाइडेड बाय एम, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई ओवर एम, दिस बिकम द इक्वेशन नंबर टू. फर्स्ट है जी थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, सेकंड है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई ओवर एम. दोनों को जब कंपेयर किया तो साइन वन ओवर एम साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, वन ओवर एम कॉन्स्टेंट है एज इट इज. साइन इनवर्स वाई का जब डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है जी, वन ओवर स्केयर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्केयर, यानी साइन इनवर्स का फॉर्मूला था डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स जी, क्या फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स का, वन ओवर वन माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट था. इस फॉर्मूले को हमने यूज करते हुए साइन इनवर्स वाई को किया वन ओवर स्केयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स की जगह पे वाई है तो वाई स्केयर, फर्दर एंगल आपके पास वाई है तो उसका डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. साइन इनवर्स का फॉर्मूला वन ओवर स्केयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स के. अब जनाब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वन ओवर एम वन ओवर स्केयर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्केयर डेरिवेटिव वाई ओवर वन ओवर एम साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वन ओवर एम एज इट इज. साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, तो साइन इनवर्स क्या है जी विद रिस्पेक्ट टू वाई, वन ओवर वन माइनस वाई स्केयर स्केयर रूट, फर्दर चूंकि एंगल आपके पास वाई है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव वाई ओवर डेरिवेटिव एक्स बन जाएगा. सिमिलरली इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है जी, वन ओवर स्केयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्केयर, अगर आप यहां पे लिख दें बेहतर है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ. हम जानते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज द फर्स्ट डेरिवेटिव रिप्रेजेंटेड विद वाई वन, तो वन ओवर एम मल्टीप्लाइड वन ओवर स्केयर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्केयर मल्टीप्लाइड डेरिवेटिव वाई ओवर डेरिवेटिव एक्स, मतलब वाई वन इज इक्वल टू वन ओवर स्केयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्केयर के साथ. वन वन सर वन ओवर एम इन टू स्केयर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्केयर मल्टीप्लाइड विद वाई वन इज इक्वल टू वन ओवर स्केयर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट. सो नाउ बाय डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वन मल्टीप्लाइड विद वन माइनस एक्स स्केयर यानी वन माइनस एक्स के स्केयर रूट मल्टीप्लाइड वाई वन इज इक्वल टू एम वन आर एम स्केयर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्केयर एज इट इज. तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन थ्रू से हमारे पास ये चीज मालूम हो गई. अब हमारे पास चूंकि ये चीज रेडिकल साइन में आ रही है तो फ्री ऑफ रेडिकल फाइंड आउट करने के लिए स्केयरिंग बोथ साइड किया, जब स्केयर किया बोथ साइड तो स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, वन माइनस एक्स स्केयर वाई वन स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर इन टू वन माइनस वाई स्केयर बना. अब इस फंक्शन को हम लोगों ने डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो अब यहां देखिए दिस इज बिकम द प्रोडक्ट लॉ. प्रोडक्ट लॉ क्या है जी, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव. तो वही फॉर्मूला यूज करते हुए वन माइनस एक्स स्केयर एज इट इज वाई वन का स्केयर का डेरिवेटिव करते हुए पावर पहले आ जाएगी टू वाई वन, फर्दर वाई वन का जो डेरिवेटिव होगा बिकम वाई टू बन जाएगा, यानी वाई वन स्केयर का डेरिवेटिव टू वाई वन वाई टू बन जाएगा प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी वाई वन होल स्केयर एज इट इज इन टू फर्स्ट का डेरिवेटिव वन का होता है जीरो माइनस एक्स स्केयर का डेरिवेटिव है जी माइनस टू एक्स इज इक्वल टू एम स्केयर चूंकि कॉन्स्टेंट है एज इट इज, वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस वाई स्केयर का डेरिवेटिव टू वाई, फर्दर वाई का डेरिवेटिव जो है वो वाई वन बन जाएगा. अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं वन माइनस एक्स स्केयर टू वाई वन वाई टू माइनस प्लस माइनस माइनस टू एक्स वाई वन होल स्केयर इज इक्वल टू एम स्केयर माइनस टू वाई वाई वन आया. अब यहां पे हमें जो चीज फाइंड आउट करनी थी वो है वन माइनस एक्स स्केयर इंटू वाई टू, वन माइनस एक्स स्केयर इंटू वाई टू, वाई टू के साथ ये चीज एक्स्ट्रा आ रही है जी टू वाई वन, इसको खत्म करना है. तो खत्म करने के लिए टू वाई वन इसमें भी है, टू वाई वन इसमें भी है, टू वाई वन जो है वो इसमें भी है, सो डिवाइडेड बाय टू वाई वन बोथ साइड. तो दोनों अतराफ को टू वाई वन पर डिवाइड करने से जैसे ही हमने बच्चों डिवाइड किया दिस बिकम वन माइनस एक्स स्केयर टू वाई वन तो डिवाइड हो गया बिकम वाई टू माइनस टू वाई वन आपका डिवाइड हो गया वाई वन इंटू एक्स इज इक्वल टू एम स्केयर टू वाई वाई वन आपके पास कैंसिल हुआ तो दिस बिकम वाई
प्लस माइनस माइनस एम स्केयर वाई आपके पास बच गया। आगे फर्दर देखिए, वन माइनस एक्स स्केयर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन, माइनस का फैक्टर शिफ्ट किया प्लस वाई स्केयर एम इज इक्वल टू जीरो। यही चीज हमें बेटा रिक्वायर्ड थी जो कि हमने तलाश कर ली, फाइंड आउट कर ली। क्या था? वन माइनस एक्स स्केयर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्केयर वाई इज इक्वल टू जीरो। तो ये आप इस काबिल हुए कि जो चीज पूछी गई थी वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। तो कैसे की? तो पहले आपने जो फंक्शंस थी उनको सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव किया, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आपके पास वो खुद ब खुद क्वेश्चंस बनता चला जाता है। तो ये थी एक्सरसाइज 2.7 में क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 5 तक एक एक पार्ट मैंने किया, जो बाकी रह गया वो आपने खुद करना है। लाजमन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, टिल तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।